गाइज हेलो स्टूडेंट, आज आपको बताने वाले हैं हम टूल के बारे में। जैसे आप जानते हो, जीवन में हमारी शिक्षा क्या है, वो भी हमारा एक टूल है। अगर हम अच्छी तरह शिक्षा पाते हैं तो हम किसी भी इंटरव्यू को, किसी कंपटीशन को फाइल करते हैं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है, शिक्षा, वो हमारे लिए जीवन का एक टूल है। उसी प्रकार से टेक्निकल वर्क में जब हमें काम करना होता है तो हमें टूलों की आवश्यकता पड़ती है। मैंने पूर्व में आपको पढ़ाया था कि डिफरेंट टाइप के टूल होते हैं, ठीक है। तो वो आपके से सामान्य रूप से बिट वाले टूल होते हैं, कुछ इंसर्टेड वाले टूल होते हैं, कुछ बिटे आती हैं जिनपे सतही एंगल बने होते हैं। बट यहाँ पे आप जो टर्नर में काम करेंगे तो आपको स्वयं ही आपको क्या है, टूल का एंगल बनाना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे टूल के एंगल क्या क्या होते हैं। जो टूल होते हैं आपके टर्नर में, टूल सामान्य रूप से तीन टाइप से होते हैं। जनरली हम जो यूज करते हैं, कौन कौन से टूल यूज करते हैं, जैसे सामान्य रूप से एक होता है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम किस में यूज करते हैं, अपनी लैथ मशीन पे। इसमें सिंगल पॉइंट होता है, एक कोना होता है, एक चोंच होती है जो काटती है। सेकंड नंबर पे होता है मल्टी पॉइंट, कुछ मल्टी पॉइंट टूल होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने काम के लिए। फिर नंबर तीसरा है फार्म टूल्स, फार्म टूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। इसी के बारे में बताएंगे हम कि जब हम ये टूल बनाते हैं तो इन टूल को बनाने में क्या होता है, हमें कुछ एंगल्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो एंगल नहीं बनाएंगे तो टूल ढंग से काम नहीं करेगा। जैसे सामान्य रूप से आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी बात की थी, पहले लिखा था सिंगल वाला, ये देखो यहाँ पे, आप देखो ये मेरे पास डिफरेंट टाइप के टूल्स पड़े हैं। क्या है, एक कटिंग टूल है, ठीक है। तो ये देखो आप, ये है आपका सिंगल पॉइंट, ये पॉइंट देखो इसमें बना हुआ है, ये केवल सिंगल पॉइंट बना हुआ है, ये इसका कटिंग एज बनेगा यहाँ से। इसके अलावा जो है इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जो कटिंग वाला हो, क्योंकि तो इसको हम पलट के बांधें, राइट एंगल बांधें या साइड बांधें तो हमारा टूल काम सही से नहीं करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से सिंगल पॉइंट हो गया, ये है मल्टी पॉइंट, आप देखो डाई वगैरह है ये क्या है, सब मल्टी पॉइंट टूल कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक मूव होते हैं, एक पॉइंट से अधिक पॉइंट होते हैं जो कटिंग करने में हेल्प करते हैं। टेप देखो आप, ये इसमें देखो एक दो, है ना, एक दो तीन चार, इसमें चार मुंह है एक तरह से, तो ये कटिंग करेगा तो ये मल्टी पॉइंट कहलाएगा। लेकिन सब में एंगल देना पड़ता है, बिना एंगल के कोई भी टूल सही से काम नहीं करता है। तीसरे नंबर पर आपका ये एक तरह से फॉर्म टूल है। फॉर्म माने होता है शक्ल बनाना, किस चीज़ की हम शक्ल बनाएंगे, चाहे राउंड बनाए, हाफ राउंड बनाए, इलिप्स टाइप की बनाए, वो अपने सुविधा के हिसाब से, अपने ऑपरेशन के हिसाब से, मैं कैसे इनको क्या फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो ये ऐसे गोलाई बना रखी है हमने, इसमें अगर हम कोई चीज़ को इससे एक्शन लेंगे तो उसका क्या है, ये मेल पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मेल पार्ट उसको फीमेल पार्ट बनाएगा, यानी कि उस धातु के अंदर गड्ढा करेगा, ठीक है। तो इसलिए बात करते हैं कि टूलों के एंगल कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। खास तौर से इसमें एंगल जो होते हैं वो एक साइड वाला होता है। पहले क्या दिया, इसमें पहले टूल का जो एंगल होता है वो किसकी बात कर रहे हैं हम, साइड वाले सिंगल वाला पॉइंट हम यूज करेंगे, इसी की हम बात करेंगे, इसी से सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इसकी जो आपकी थ्योरी है, इसके जो पॉइंट हैं, इसके जो डिफरेंट टाइप के बिंदु हैं कौन कौन से, ये हैं एक दो तीन चार, इनमें भी डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं जो आपको हम जो है क्लियर कर देंगे। साइड कटिंग एज कौन होता है, पहले इसमें ये 25 से 40 डिग्री रखा जाता है। जब टूल को बनाते हैं तो उसके साइड में कोई हमें जगह बनानी पड़ती है, एंगल देना पड़ता है, तो उसका साइड कटिंग एज कौन कहलाता है, एज माने होता है किनारा। एंड कटिंग एज ये होता है 30 डिग्री के लगभग। ये एंड कटिंग इसलिए होता है कि जो आपने टूल साइड से बना दिया, टूल जब साइड से बनाते हैं तो उसको क्या है, हमें एंड पॉइंट तो चाहिए हमको, लास्ट तक कहाँ तक बनाना है उसकी लिमिट होती है, तो वो कितना रखते हैं उसको, लगभग 30 डिग्री। फिर इसमें आता है क्लीयरेंस कोण, जब टूल चलेगा मेटल और टूल के बीच में जब घर्षण होता है, तो टूल जब रनिंग करेगा, काटेगा, तो उसको हमें जो है स्पेस चाहिए, वरना उसकी चिलन कहाँ से निकलेगी, तो इसलिए टूल के अंदर क्लीयरेंस भी रखा जाता है। क्लीयरेंस कोण भी दो तीन तरह के होते हैं, साइड क्लीयरेंस होता है, फ्रंट क्लीयरेंस होता है, ठीक है, टॉप क्लीयरेंस होता है, कई तरह के क्लीयरेंस होते हैं। इसमें आता चौथा रैक कोण, ठीक है। रैक कोण क्या होता है, रैक कोण की बात करेंगे हम। रैक कोण क्या होता है, वो हिस्सा होता है वहाँ पे जब हम कटिंग करते हैं, टूल कटिंग करता है, तो कटिंग करते समय छीलन कहीं पर निकलती है, जहाँ से निकलती है वो इसका हिस्सा जो है वो रैक कहलाता है। रैक मतलब होता है मटेरियल को पास होने वाली जगह, उसे रैक कहा जाता है। तो वर्क के अकॉर्डिंग ये जो रैक होती है तीन टाइप से होती है, एक होती है पॉजिटिव रैक, एक होती है जीरो रैक, एक होती है नेगेटिव रैक। इन तीनों चीज़ों को हम थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। ये रैक किस प्रकार से होती है, टूल की एक्टिविटी रैक करके, ठीक है। जैसे आप देखो ये टूल बना रखा हमने, इस टूल में देखो सारे साइड में देखो अलग एक्टिविटी है इसके अंदर, ठीक है। हमने बताया था आपको ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है टॉप होता है, जो रैक है, रैक कौन होता है, रैक जो होता है वो क्या होता है, इसके आधार के अकॉर्डिंग एक विशेष एंगल दिया जाता है, तो इसका क्या है वो रैक कहलाता है, ठीक है। अब ये रैक जो है तीन तरह से, किस टाइप से आप देख लीजिए। पहले नंबर आता है पॉजिटिव रैक। पॉजिटिव रैक क्यों रखा जाता है, किस तरह से होता है, पॉजिटिव रैक में क्या होता है, ये जो पॉजिटिव रैक है ये दिया है कि यह नरम धातुओं के लिए अधिक
हार्ड धातु के लिए कम रखा जाता है। इसका एंगल 3 से 40 डिग्री के लगभग होता है। होता क्या है कि जो टूल होता है, टूल में जब हम पीछे की साइड में ढलान देते हैं तो क्या लाता है, पॉजिटिव रे। ठीक है, इसमें क्या है, जब आपका इस पॉइंट से छीलन जब कट के रन कहाँ करेगा, कहाँ को भागेगा, तो क्या होगा, रैक के सारे पीछे को निकल जाता है। ठीक है, इसी में सेकेंड पार्ट आता है आपका बी वाला, इसे बोलते हैं हम जीरो रैक। जीरो का मतलब आप समझ रहे होंगे, सीधे सीधा जीरो, तो जीरो में कुछ करना ही नहीं है। तो क्या है इसमें, जीरो रैक में क्या होता है कि जब टूल बनाते हैं, टूल का हम फ्रंट के लेंस बनाते हैं, साइड के लेंस बनाते हैं, ये चीज़ें बन जाने के बाद उसको रैक देना पड़ता है, रैक एंगल देना पड़ता है। तो जैसे कि आप टूल देखो कि हमारे पास एक टूल है, ठीक है, हमने साइड बना लिया, इसका फ्रंट भी बना लिया। ठीक, अब ये आप देखो, ये ऊपर से रैक बना हुआ है, रैक एंगल बना हुआ है। इसको हम जो बिट देख रहे हो, बिट की आप साइनिंग, ये बिट की साइनिंग जो बनी है, ये एंगल दिया तो यहाँ से क्रॉस हो गई है। हम इसको बिल्कुल ना बनाएं, कोई एंगल ना दें, तो ये कहलाता है रैक एंगल। पीछे को बनता है पॉजिटिव, और जब कुछ नहीं बनता है तो बोलते हैं रैक एंगल, कौन सा, जीरो वाला। तो वही है कि इसमें ये जीरो रैक रखा जाता है। होता क्या है कि पीतल जो मेटल होता है उसको कटिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तो पीतल की खासियत होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, बारीक रूप में निकलता है, इसलिए पीतल के लिए जीरो रैक रखा जाता है टूल के अंदर। तीसरे नंबर पे आता है निगेटिव रैक एंगल। निगेटिव यानी कि माइनस। निगेटिव रैक एंगल क्या होता है, जैसे आप चित्र से समझिएगा, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम सपोर्ट एट टॉप। टूल के अंदर जो टॉप वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा मैंने आपको दिखाया था, जो हिस्सा है इसमें, इसमें एक तो क्या है कि पीछे को ढलान दिया, इसमें क्या है, आगे को ढलान दिया है। बस यही समझना है आपको कि आगे को ढलान है तो ये निगेटिव रैक है, पीछे को ढलान है तो पॉजिटिव रैक है, और कोई ढलान नहीं है तो इसका मतलब वो जीरो रैक है। तो आप समझिए, ये कह रहा है यहाँ पे निगेटिव सपोर्टिव। तो क्या है, इससे जो पॉइंट है, ये इसको पॉइंट को मजबूती मिलती है, और ये रैक एंगल जो है वहाँ दिया जाता है जब हमें कोई हार्ड वस्तुओं पर काम करना होता है। जनरली हम लोग किस पर यूज करते हैं, माइल्ड स्टील पर अपना वर्क करते हैं, सब टूल वहीं पर यूज करते हैं, लेकिन कोई हार्ड धातु आ जाती है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सामान्य रूप से ये क्या है, हम टूल यहाँ पे यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ बिटें आती हैं वो ऑलरेडी ही नेगेटिव एंगल की आती हैं, नेगेटिव एंगल की आती हैं, तो जहाँ प्रोडक्शन वर्क होता है वहाँ पे इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ये आपको एजुकेशन पढ़ने के लिए चीज़ है, इसकी आवश्यकता है तो ये आप पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, नंबर अगला है डी सेक्शन में लिखा है साइड रैक एंगल। भाई साइड का मतलब है साइड में कोई एंगल बना है तो वो साइड एंगल हो गया। जैसे आप देखो कि ये टूल हमने क्या है, फ्रंट बना रखा है इसका, यहाँ साइड बना रखी है, ऊपर वाला हिस्सा आप देखो टॉप फेस है, टॉप फेस में देखो यहाँ पे कोने 90 डिग्री दे रखा है। तो जब हम क्या है, जब रैक एंगल पीछे को बनाते हैं तो जिस एंगल से बनाते चले जाते हैं तो वो वही एंगल जो है पूरे फेस से बन जाता है, बन जाएगा जब पूरे फेस पे। तो सपोर्ट करो कि कोई हमारी पीछे की सैंक है, तो सैंक को जब हम सैंक में सीधी लाइन लगाएंगे तो उसकी जो पीछे ड्रॉप हो रही है लाइन, उस लाइन के बीच में एक एंगल बनेगा। ठीक है, उस एंगल को बोलते हैं साइड रैक एंगल। जैसे आप देखो टूल के अंदर, ये आपका देखो यहाँ पे एक तरह से ये टूल बनता हुआ आ रहा है, और ये हिस्सा आपका सीधा है, यहाँ से हम कभी को सीधा कर देंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इस पॉइंट पे एंगल बनेगा, जैसे कि एंगल ये दिखा रखा है यहाँ पीछे को। ठीक है, ये एंगल बना हुआ है, इधर ढलान है ऐसी, इसमें देखो इधर को ये ढलान है। तो जब इसको हम क्या करते हैं, सीधा कर देंगे इस पॉइंट को, आप देखें तो एक एंगल बन जाएगा। जैसे आप देखो ये हमारा पॉइंट है, और मैंने इसको यहाँ से सीधा स्ट्रेट जो है 90 डिग्री पे लाइन लगा दी, तो आप देखो इसके उसके बीच में एक एंगल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, देखो इस टाइप से एंगल बन गया ये, तो ये क्या कहलाता है, ये आपको कहलाता है साइड रैक एंगल। इस प्रकार से आपने जान लिया होगा कि आपके कटिंग टूल, सिंगल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कितने रैक एंगल होते हैं, 3 तरह के होते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल को जरूर दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय मिलता रहे।